अभी हम उत्तर प्रदेश आम महोत्सव में हैं। आम महोत्सव का ये प्रथम दिन है और मैंने बहुत सारी किस्मों वैरायटियों पर आपको बताया, जानकारियाँ दी, लेकिन अब हम उन वैरायटियों पर जानकारी देंगे जो वजन और साइज में बड़े होते हैं, उनका वजन ज़्यादा होता है। अगर वजनी आमों की बात करें तो आप देख रहे हैं कि ये जो चौसा है, ये एक तो लेट वैरायटी है, जब दशहरी की आवक बाजार में कम हो जाती है, नहीं के बराबर होती है, तो चौसा की आवक आनी शुरू होती है, तो चौसा बड़ी वैरायटियों में एक है। इसके अलावा अगर हम बात करें फजली की, तो फजली भी बड़ी किस्मों में गिना जाता है। इसका वजन लगभग 1 किलो से लेकर के 1.5 किलो तक भी होता है, 1.5-2 किलो तक जाता है। मैं चाहूँगा साथी से फोटोग्राफ भी क्लिक करते रहें और देखते रहें। तो मैं अभी जो जानकारी दे रहा हूँ आम की, उन किस्मों के बारे में दे रहा हूँ जो साइज और वजन में आम किस्मों के अपेक्षा, पारंपरिक किस्मों के अपेक्षा बड़े होते हैं या जिनका वजन ज़्यादा होता है। तो फजली है और फजली की बहुत सारी यहाँ पर किसानों द्वारा जो आम है प्रदर्शित किए गए हैं, ये भी फजली है, आप देख सकते हैं। इसका वजन भी लगभग 1 किलो से ज़्यादा होगा और मैंने जो अभी वजन लिया था, ये खूबसूरती और वजन में दोनों में अलग हट करके है। फजली एक वजन लगभग 1.25 किलो के करीब है, 1.5-1.5 किलो के करीब होगा। इस पूरी जो किस्म आप देख रहे हैं फजली है और बड़े किस्मों में, अधिक वजन वाली किस्मों में फजली को गिना जाता है। अगर हम बात करें मल्लिका की, तो मल्लिका भी बड़े किस्मों में ही गिनी जाती है। मल्लिका आम खाने में भी खूबसूरत होता है, देखने लजीज होता है, खाने में देखने में खूबसूरत होता है और इसका वजन भी लगभग 1 से 1.25 किलो होता है, मतलब 1800 ग्राम से लेकर के 1200 ग्राम तक होता है, यानी 1 किलो 200 ग्राम तक इसका वजन होता है। तो ये जो है मल्लिका किस्म है और लेट वैरायटियों में इसको भी गिना जाता है। अगर हम बात करें बड़ी किस्मों की ही बात करें, तो आप देख रहे होंगे बंगलौरा की किस्म दिख रही है। बंगलौरा जो है प्रोसेसिंग वैरायटी है, इसका प्रोसेसिंग किया जाता है, इसका जूस और स्क्वैश तैयार किया जाता है। ये बड़ी किस्मों के अगर आप बागवानी खेती करना चाहते हैं, तो बंगलौरा, फजली, ये सारी किस्में आपके लिए काफ़ी मुफीद होंगी। अगर हम बड़ी किस्मों के ही तरफ ले चलें आपको, बाकी यहाँ पर और सामान्य किस्में आपको गौरजीत, रतौल, खासुल खास, गुलाब जामुन, जरदालू, गिलास, ये सारी किस्में हैं। इधर आप विदेशी और संकर किस्मों को का प्रदर्शन देख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको आज के इस एपिसोड में सिर्फ बड़ी और अधिक वजन वाली किस्मों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। CISS की बहुत सारी ऐसी किस्में हैं, वैरायटियां हैं जो अभी रिसर्च में है, ट्रायल में चल रही हैं, उनका उनको रिलीज नहीं किया गया है, उनको भी दिखाऊंगा। लेकिन देखिए, ये एक आम है जो लगभग 2 किलो से भी अधिक है, लगभग ये हाथी झूल किस्म है। हाथी झूल में कई आम तरह किसानों ने अपने आम प्रदर्शित कर रखे हैं। ये तीसरी पुरस्कार इस प्राप्त हुआ था और इसको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये हाथी झूल आम है, इसको भी देख सकते हैं, बड़े साइज और बड़े वजन में आता है। बाकी आप सामने भी देख रहे होंगे, ये हाथी झूल को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। बड़ी किस्मों के ही क्रम में हम आपको अगर ले चले, तो जो अतिरिक्त किस्में अन्य श्रेणियों में प्रदर्शित की गई हैं, इसमें कई किसानों ने, जिसका अभी उनको नाम नहीं पता है, आप देख सकते हैं, ये लखनऊ के ही किसान कुलदीप जी द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है। और आम पकता भी है, इसमें रेशे नहीं होते हैं, गूदे होते हैं इसमें। तो इस आम को भी आप बड़ी किस्मों के अंतर्गत रख करके देख सकते हैं। बाकी आपको हम बहुत सारी ऐसी किस्में दिखा रहे हैं जिनका नामकरण यहाँ नहीं किया गया है, पका हुआ आम है। और आप एक कटा हुआ आम भी देख रहे होंगे और एक जो है इसका खड़ा आम देख रहे होंगे, इस गूदे हैं, ये चूस कर खाने वाली प्रजाति नहीं है, इसको जैद नर्सरी ने प्रदर्शित किया हुआ है। बहुत सारी किस्में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। ये लखनऊ के किसान कुलदीप जी ने इसको यहाँ पर लगा रखा था, इसको प्रथम पुरस्कार अन्य श्रेणी में मिला है। इसको भी आप अपने खेतों में लगा सकते हैं, उनके यहाँ से पौधे आप क्रय कर सकते हैं। बाकी आप देखें, एक गदामार प्रजाति है और CISS ने इसको अपने यहाँ प्रदर्शित कर रखा है। और CISS की बहुत सारी वैरायटियाँ अभी रिसर्च में, ट्रायल में हैं। लूटन एक प्रजाति है, आप देखें यहाँ लूटन प्रजाति है। और इनके अगर स्टाल पर जाएंगे, आप नज़र डालेंगे, लेमन प्रजाति है, ये भी बड़ी किस्मों में आती है। तो मैं एक बार फिर इनको अपनी तरफ अपने साथी से कहूँगा कि जो आम की बड़ी नस्लें हैं, बड़ी किस्में हैं, जिनका वजन ज़्यादा होता है, साइज में बड़ी होती हैं और जिसमें रेशे नहीं होते हैं, गूदे होते हैं, उन किस्मों को आप यहाँ पर देख सकते हैं और उन किस्मों के बारे में जानकारियाँ ले सकते हैं। तो आप ऐसे ही वीडियोज के लिए बने रहिएगा, आपको ऐसी जानकारियाँ मैं देता रहूँगा आम महोत्सव से।